स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालते ही आरती राव एक्शन मोड में आ गई हैं। इसी के चलते आरती राव ने ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आरती राव गुरुग्राम पहुंची थी, जहां उन्होंने प्रस्तावित नागरिक अस्पताल और शीतला माता मेडिकल कॉलेज के निर्माण का जायजा लिया। इसके बाद बीते दिन की बात करने लगे तो पानीपत पहुंच गई। इसी बीच उन्होंने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई। आरती राव की माने तो मंत्रालय संभालने के बाद उन्होंने प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करने की योजना बनाई है, जिसमें वो प्रत्येक जिले में जाकर वहां के अधिकारियों से बैठक करेंगी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सेवाओं को और बेहतर कैसे किया जा सकता है इसको लेकर काम शुरू करेंगी। मैं कल गुड़गांव का जायजा करने गई थी, आज यहाँ पानीपत में आई हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है आज के दिन, और फिर मैं पहले उसको पूरी करूँ और फिर आगे बढ़कर हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाएंगे। जैसे हमने गुड़गांव में देखे कल दो दो 800-800 बिस्तर के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो जहाँ भी ज़रूरत हो हम सरकार की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और सैनी साहब भी यही कहना चाहते हैं कि हम हरियाणा के लोगों के लिए आए हैं यहाँ पर, और हम उनका जितना काम कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। जो हमारी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के दिन है अर्जेंटली, उनको पहली पूरी करूंगी और फिर आगे जाके जो बड़े प्लान्स हैं उसको मैं बताऊंगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट।